कि आप पोशीदा मखलूक के इसरार जानना चाहते हैं, कि आप अपनी आँखों से जिन्नात को देखना चाहते हैं, कि आप अपनी आँखों से जो है मख़फ़ी मखलूकात को जो है देखना चाहते हैं, उनसे बातें चीते करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके लिए एक ऐसा ख़ास मुजर्रब आसान अमल बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अमल के ज़रिए से आप जो है अपनी आँखों से जो मखलूक किसी को नज़र नहीं आती, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह के कलाम की बरकत से वो मखलूकात आपको नज़र आएगी। आप अगर उनसे बात करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उनसे बात भी कर पाएंगे और वो आपसे बात कर पाएंगे। जैसे जिन्नात हुए, मुअक्किलात हुए, और भी बहुत सारी मखलूकात अल्लाह की इस ज़मीन पर रहती है, बसती है, चलती है, फिरती है, खाती है, पीती है, मगर वो सब को नज़र नहीं आती। उन्हीं को नज़र आती है जिनको अल्लाह चाहता है। मगर आज जो अमल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस अमल की बरकत से, रब के फ़ज़ल से आप भी चाहेंगे तो आपको भी जो है वो मखलूकात नज़र आएगी। उसके लिए सबसे पहले चैनल सूफियाना अमल देख रहे हैं, चैनल पहली बार आएँ तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अमल बता देता हूँ, अमल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियम मजहर अलअजाइब तजिदहु अऊन अल्लाह का फिर नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिनबुव्वतिक या रसूल अल्लाह व बिवलायतिक या अली या अली या अली या अली। अब दोस्तों इसका तरीक़ा ये रहेगा कि नौ चंदी जुमेरात के बाद नमाज इशा के बाद, जैसे कि चांद देखकर तीन दिन गुजरने के बाद जो जुमेरात आती है वही नौ चंदी जुमेरात कहलाती है, उसी जुमेरात से आपको यह अमल पढ़ना है। अमल पढ़ने का जो टाइम रहेगा वो इशा की नमाज के बाद में रहेगा। अपने जिस्म पर जो है खुशबू लगाकर, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, रिजालुल गैब का ख्याल करके आपको बैठ जाना है। पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद में आपको हरूफ़ अबजद यानी कि अबजद हरूफ जब आप सर्च करेंगे गूगल पर तो तमाम हरूफ अबजद आ जाएंगे। हरूफ अबजद की तादाद में जो है आपको नादे अली शरीफ पढ़नी है और लास्ट में फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह से अपने उस मकसद के लिए जो है दुआ मांगनी है। इस कायनात में अल्लाह ने जो भी मख़फ़ी मखलूक बनाई है उसके मुतालिक मालूम होगा और उनसे राबता भी होगा और वह आपको 21 दिन के बाद जो है नज़र आने लगेंगे। याद रखिए कि अगर आपका दिल मजबूत है, ताकतवर है और आप हर चीज़ को जो है अपनी आँखों से जो है देख सकते हैं, आपको डर नहीं लगता है, तभी आप इस अमल को करिएगा, वरना तो हरगिज़ हरगिज़ यह अमल मत कीजिएगा। अगर 21 दिन में आपको कामयाबी मिल जाए बहुत बेहतर, अगर 21 दिन में कामयाबी नहीं मिलती है तो आप इस अमल को जो है 41 दिन ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे रब के फ़ज़ल से उस मकसद में आप कामयाब हो जाएंगे, यानी कि आप अपनी आँखों से जो है हर मख़फ़ी मखलूक को जो है आँखों से देख लेंगे। बहुत ही प्यारा खूबसूरत अमल है। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आएँ तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।